झारखंड के गढ़वा में बालू माफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसी की वानगी पेश कर रही है ये तस्वीरें। बालू खनन से अब पुल भी खतरे की जद में है। स्थानीय लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल को पार करते हैं। बालू उठाव को लेकर शुरू से ही रार मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बालू माफिया ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देकर नदियों से लगातार बालू खनन कर रहे हैं। नतीजा ये है कि नदी बालू विहीन हो रही है और पुल का वजूद भी खतरे में आ गया है। अधिकारी और माफियाओं की ये मिली भगत स्थानीय लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दिन जाता है दिन में या रात? दिन रात दोनों। जो कि हाँ, थाना के फोन किए, थाना के दूर पड़ता है, थाना आने में जो लेट हो जाता है, उन लोग को जानकारी हो जाता है, इसलिए सब गाड़ी वो पलट पलट के रास्ता में भाग जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर बालू पलटा हुआ है और नदी में भी पूरा गड्ढा किया है। माइनिंग को भी कहते हैं, माइनिंग कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है। कब से अवैध धंधा चल रहा है? बहुत से चल रहा है। पहले भी रोका गया था, ग्राम कमेटी बनाए थे, कमेटी वाला के धमकी दिया, कमेटी टूट गया मेरा, ग्राम कमेटी को लोग अब एक लंबे समय तक बालू उठाव होने के बाद लोगों को लगा था कि अब बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी बेतरतीब ढंग से बालू का उठाव जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंजारी गांव से होकर जा रही बांकी नदी पर बने पुल के नीचे से बालू का उठाव किया जा रहा है। माफियाओं के द्वारा लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी जिले के जतपुरा बालू घाट पर 4 लोगों की हत्या भी पूर्व में कर दी गई थी। गांव के लोग प्रशासन से लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। पुल के पास से रेलवे पुल और रास्ता बाधित होकर के अवैध बालू उठाव हो रहा है, जो कि हमने बार बार रोके। अवैध बालू माफिया द्वारा धमकी भी दी जाती है और उस पर हम प्रशासन को बढ़िया थाना को फोन किए, वो थाना आकर के आया, प्रशासन को देखते हुए गाड़ी वाला सब भाग गया और माइनिंग को भी फोन के माध्यम से कहा गया था, कोई एक्शन माइनिंग वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। प्रतिदिन कितना? प्रतिदिन करीब 30 से 35 गाड़ी प्रतिदिन जाता है। दिन में या रात? दिन रात दोनों। जो कि हाँ, थाना के फोन किए, थाना के दूर पड़ता है, थाना आने में जो लेट हो जाता है, उन लोग को जानकारी हो जाता है, इसलिए सब गाड़ी वो पलट पलट के रास्ता में भाग जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर बालू पलटा हुआ है और नदी में भी पूरा गड्ढा किया है। माइनिंग को भी कहते हैं, माइनिंग कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है। कब से अवैध धंधा चल रहा है? बहुत से चल रहा है। पहले भी रोका गया था, ग्राम कमेटी बनाए थे, कमेटी वाला के धमकी दिया, कमेटी टूट गया मेरा, ग्राम कमेटी को लोग अब रोक नहीं रहे। जब ग्राम कमेटी रोके थे तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया? अभी तक से कोई कार्रवाई कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ है, न कोई गाड़ी पकड़ाया गया है। स्थानीय से मिली खनन की जानकारी के बाद अधिकारी भी महज खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। अवैध बालू खनन की सूचना क्षेत्र के लोगों द्वारा दिया गया था, जिस सूचना पर हम लोग यहाँ आए, सभी ट्रैक्टर वाले जो थे वहाँ बालू को डंप करके लोड करके जो जा रहे थे यहाँ गिरा करके भाग गए, उन सब के विषय में पता लगाया जा रहा है और इस बालू को जो यहाँ पर सब गिरा के भागे हैं उसको हम लोग एकत्रित करके। जानकारी के बाद भी खनन विभाग की ओर से ना कोई कार्रवाई की गई, ना ही माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब तक कोई ठोस कदम उठाया गया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि माफियाओं को अधिकारियों की शह मिली हुई है, जिसके चलते ही खनन पर लगाम लगती नहीं है और खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐसे अधिकारियों और माफियाओं पर कार्रवाई कब तक होती है। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।